तो दोस्तों इस कार की एंट्री फाइनली एमसीयू में हो चुकी है और इसी हल्के के अंदर हम लोगों को इस कार को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो हम लोगों को जैसा इस कार इसमें दिखाया गया है वैसा इस कार असलियत में बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम लोगों ने सीएलके के अंदर इस कार को देखा है ना तो उसको देखने के बाद में तुम लोगों को घंटा बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो अगर तुम लोगों ने असली इस कार को देख लिया जो कि हम लोगों को कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है अगर उसको तुम लोग देख लोगे तो तुम्हारी खड़े खड़ी चड्डी गीली हो जाएगी। लेकिन यार हम लोगों ने सीएलके के अंदर सीएलके की पावर्स को तो हल्का फुल्का देख रखा है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो अगर हमारे इस कार की फाइट कराई जाती है सीएलके के साथ में तो भाई इसमें से विनर कौन होगा? क्योंकि दोस्तों दोनों ही हल्के हैं और दोस्तों दोनों के पास में काफी तगड़ी तगड़ी पावर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर तुम लोगों ने सीएलके की सीरीज देखी है तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर सीएलके जो अपनी पावर्स हैं वो एक एक्सीडेंट के दौरान मिली थी जब दोस्तों हल्के का ब्लड सीएलके के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और दोस्तों इसी एक्सीडेंट के बाद में जेनिफर वॉल्टर्स बन जाती है दोस्तों सीएलके। और दोस्तों बात करें हम लोग सीएलके की पावर्स के बारे में तो दोस्तों सीएलके के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और दोस्तों सीएलके के पास में बहुत सारी पावर्स हैं जो कि दोस्तों हल्के के पास में है। जैसे कि ये थंडर क्लैप कर सकती है, सैकड़ों फीट हजारों फीट जब पे लंबी मार सकती है और दोस्तों अगर सीएलके के ऊपर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक किया जाता है या फिर इसके ऊपर मिसाइल भी दाग दी जाती है तो भी दोस्तों इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जहां पर ब्रूस बैनर हल्क बनने के बाद में अपनी आइडेंटिटी को खो देता है यानी वो ब्रूस बैनर नहीं रहता और दोस्तों वो सिर्फ हल्क बनकर रह जाता है। बट दोस्तों सीएलके के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दोस्तों जेनिफर वॉल्टर सीएलके बनने के बाद भी अपने दिमाग को यूज कर सकती है, उसका दोस्तों अपने ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं खोता और दोस्तों इसी के साथ साथ 100 टन के वेट को भी इजीली लिफ्ट कर सकती है। बट दोस्तों कॉमिक के अंदर ये इससे भी ज्यादा वेट को इजीली लिफ्ट कर चुकी है जो कि दोस्तों बाकी सबके लिए काफी इम्पॉसिबल बात होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस कार की पावर्स के बारे में। दोस्तों इस कार का जन्म सकार प्लेनेट पर हुआ था जब दोस्तों यहाँ पर हल्क सकार प्लेनेट पर जाता है और दोस्तों सकार प्लेनेट पर जाने के बाद में हल्क को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है दोस्तों कायरा। अब दोस्तों यहाँ पर हल्क और कायरा का प्यार इतना आगे बढ़ चुका था, उनका रिलेशन इतना आगे बढ़ चुका था कि उनका एक बच्चा होने वाला था। लेकिन तभी कायरा के साथ में एक दुर्घटना हो जाती है क्योंकि हल्क जैसे स्पेसशिप से सकार प्लेनेट पर आया था वो दोस्तों डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी फट जाता है और दोस्तों उस स्पेसशिप के फटने की वजह से कायरा की डेथ हो जाती है। लेकिन कायरा की डेथ होने के बाद भी इस कार की डेथ नहीं होती और दोस्तों वो जिंदा बच जाता है और दोस्तों यहाँ पर जन्म होता है हमारे हल्क के बेटे इस कार का। अब अगर बात करें हम लोग इस कार की पावर्स के बारे में तो दोस्तों इस कार क्योंकि हल्क का बेटा है इसलिए उसके पास में हल्क की सारी पावर्स अवेलेबल हैं जैसे कि दोस्तों सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और दोस्तों इसको भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों इस कार हल्क की तरह ही सैकड़ों मीटर लंबी जंप मार सकता है, थंडर क्लैप कर सकता है और दोस्तों जैसे जैसे इसका गुस्सा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी पावर्स भी बढ़ती जाती है। लेकिन क्योंकि इस कार हल्के के साथ साथ कायरा का भी बेटा है तो दोस्तों इसमें कायरा की भी सारी पावर्स अवेलेबल है और दोस्तों इसी वजह से इस कार प्लेनेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं इस कार एक वॉरियर है और उसने बचपन से ही लड़ना सीख लिया था और दोस्तों यहाँ पर सीएलके के मुकाबले में इस कार का बैटल आईक्यू काफी ज्यादा है। तो अब दोस्तों इन सबसे साफ पता चल जाता है कि अगर इस कार और सीएलके की कभी भी फाइट होती है तो दोस्तों इस कार सीएलके को इजीली डिफीट कर देगा। अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है एंड यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।